राज्य की सियासत में चल रहे घमासान के बीच अब विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर कड़ा आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि यह सरकार मात्र स्वहित में कार्य करी है, जहां एक मंत्री सीधा गृह मंत्री को चुनौती दे रहा है और लगता है अकेले मुख्यमंत्री ही काम कर रहे हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री कोई और गेम बनाने में व्यस्त है। नहीं देखिए, सरकार में जो चल रहा है आजकल, क्या सरकार चल रही है या चला रही है या एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए सरकार बनी है, आपस में लड़ने के काम ये सरकार कर रही है। अब होम डिपार्टमेंट ने अगर कोई ट्रांसफ़र किया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है, तो ये कैबिनेट में आप चर्चा कर सकते, मिलके कर सकते थे, तो इसका मतलब क्या सरकार में आलबेल है, कुछ आलबेल है ऐसा लगता है? तो ये सरकार केवल अपनी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ये सरकार बनी है और जिसको जो लगता है वो बोलते रहता है, वो करते रहता है। एक मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट को ही चैलेंज करता है, होम मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को चैलेंज करता है, उसके निर्णय को चैलेंज करता है, तो सरकार किस दिशा में चल रही ये पता चलता है। आजकल तो दो डीसीएम मुझे दिखते ही नहीं है, हो सकता है एक अकेला सीएम ही अभी आज के स्थिति में सरकार चलाते हुए दिखते हैं, तो ये बहुत मुझे तो इस बारे में चिंता की बात नहीं है। ये दोनों मिलकर कहीं नया गेम तो ढूंढ नहीं रहे, इसकी मुझे ज़्यादा चिंता।